हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 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 नवरात्रि आप सभी को। और आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पे आप लोगों ने मुझे काफ़ी मेल किए हैं और इंस्टाग्राम पे भी बोला है नवरात्रि डाइट प्लान के लिए। मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों का कम से कम 5 kg वेट मतलब रिड्यूस करेगा ही करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, काफी उतार चढ़ाव के दिन है, कभी गर्मी कभी जाड़ा, तो ऐसे सीजन में कफ कोल्ड की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो जिन लोगों को भी ऐसे प्रॉब्लम हो प्लीज डाइट को फॉलो ना करें, वरना वेट भी रिड्यूस नहीं होगा और हेल्थ के साथ भी आप काफी बुरा कर जाएंगे। इसीलिए जो लोग भी इन सारी चीजों को जूझ रहे हो वो इस डाइट को फॉलो ना करें, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक हो जाए देन इस डाइट को फॉलो करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ अच्छा सा डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मैं लेती हूं हर नवरात्रि, क्योंकि मैं भी पूरे 9 व्रत रहती हूं। और उसमें कैसे आप अपने आप को मेंटेन, क्योंकि व्रत में जो लोग, कुछ लोग नमक खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, मैं खाती हूं, मैं नॉर्मल में भी सेंधा नमक खाती हूं और व्रत में भी सेंधा नमक ही खाती हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आप कुछ भी जो भी हैवी चीज लेंगे वो अपने मॉर्निंग में लेंगे आपको, यानी फटाफट मॉर्निंग में उठना है, देन पूजा अपनी खत्म करनी है और आपको 9 बजे तक अपना जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश कर देना है। और थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट लेंगे उसमें आप, मैं जो लेती हूँ, मैं लेती हूँ दही लेती हूँ, लगभग 200 ग्राम मैं दही लेती हूँ, 2 बॉयल्ड आलू लेती हूँ और उसके बाद मैं उसकी कढ़ी बनाती हूँ। तो क्योंकि मैं इस वीडियो में रेसिपीज नहीं शेयर कर रही हूँ, वो रेसिपीज आपको कल या परसों से मैं दिखाने लगूंगी कि नवरात्रि कढ़ी कैसे बनाते हैं, काफी टेस्टी होती है और मैं मॉर्निंग में हमेशा यही लेती हूँ। तो अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की रेसिपीज अच्छी अच्छी मिलती रहे। तो मैं अभी आज या कल मैं आप लोगों को नवरात्रि जो कढ़ी होती है वो बताऊंगी कि कैसे नवरात्रि कढ़ी बनाते हैं, वो मैं लेती हूँ। उसके बाद मैं उसके 1.5 घंटे बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग रिसेक स्टार्ट करती हूँ, तो मैं व्रत में क्यूमिन सीड वाला वाटर लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है जीरा व्रत में खाया जाता है, तो मैं जीरे वाला ही पानी या जीरा टी लेती हूँ मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मैं यही दही वाला जो बोलते हैं, इसे कढ़ी बोलते हैं, मैं वो लेती हूँ, 1 बाउल भर के लेती हूँ। उसके बाद मैं एक फ्रूट लेती हूँ, कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ जो भी अवेलेबल हो घर में। उसके बाद आते हैं लंच की बारी, तो लंच में मैं कोई ना कोई स्मूदी लेती हूँ या फिर मैं फ्रूट चाट लेती हूँ पूरा भर के, एक सैलड कर ले लेती हूँ, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें डाल लेती हूँ, वरना मैं स्मूदी लेना प्रेफर करती हूँ। उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी, इससे पहले भी मानिए मैंने काफी रेसिपी शेयर की है। या फिर मैं लस्सी लेती हूँ व्रत वाली या वेट लॉस वाली, उसकी शो हो जाएगी कि व्रत वाली मैं जो लस्सी लेती हूँ कैसे लेती हूँ। उसके बाद आती है इवनिंग स्नैक पे, इस इवनिंग स्नैक में मैं आलमंड मिल्क लेती हूँ और बहुत सारे उसमें मैं नट्स डाल के, उसकी रेसिपी भी आप बोलेंगे तो मैं शेयर करूंगी, वरना बहुत सारी इसकी रेसिपीज ऑलरेडी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर करूंगी। मैं बहुत सारे नट्स डाल के वो लेती हूँ, या फिर 4 to 5 इवनिंग स्नैक में मैं 4-5 एलिमेंट्स ले लेती हूँ, या मखाने जो रोस्ट नहीं किए हुए या भुने हुए नहीं हो वो आप पूरा एक कटोरी भर के ले लीजिए। और उसके साथ मैं 1/2 कप मिल्क टी लेती हूँ, विदाउट शुगर लेती हूँ, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी विदाउट शुगर वाली एक टी लेती हूँ। उसके बाद आती है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील, यानी कि आप जो डिनर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है कि हमें, हमारा वेट जो है वो बढ़ाता भी डिनर है और घटाता भी डिनर है, इसलिए इसे अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हम कह सकते हैं डिनर को। तो कोशिश करिएगा कि आप नाइट में फ्रूट चाट ले सकते हैं, खूब बड़ी सी प्लेट, चाहे जितनी बड़ी प्लेट लेके बैठे नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं या पाइनएप्पल ले सकते हैं। और एक चीज और, जैसे कभी कभी मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए आपने 7-7:30 बजे फिनिश कर दिया अपना डिनर, उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा सा दही और 1 अनार खा सकते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी स्नैक में ये लेती हूँ, कभी कभी इवनिंग स्नैक में भी ले लेती हूँ। फ्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करिए नवरात्रि डाइट में। और अगर क्योंकि मैं जो है वो मॉर्निंग के बाद नमक लेना नहीं प्रेफर करती हूँ,
आप हो सके तो आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा नमक ही आप यूज़ करिएगा, या आप मखाने के ऊपर थोड़ा सा, अगर आपका बीपी लो हो रहा हो तो आप थोड़ा सा मखाने के ऊपर डाल के पी सकते हैं। इसी तरह की रेसिपी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि आप कौन सा क्या कर सकते हैं, तो वो आइडिया मैं देने आ गई हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए, जैसे जो लोग स्मूदी लेना नहीं प्रेफर करते हैं लंच में, वो क्या कर सकते हैं, जो कुट्टू का आटा होता है उसका आप पराठा बना के यूज कर सकते हैं। लो ऑयल की मेरी एक रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आई बटन पे भी आपको शो हो जाएगा। आप उसकी रोटी बना सकते हैं, आप कोई भी आलू, जैसे आपने आलू बॉईल किया, क्योंकि फ्रेंड्स आलू के साथ ये है कि अगर आप उसको ऑयल में लेके खाएंगे तो वो आपका वेट बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही विदाउट ऑयल खाएंगे तो वो आपका वेट बढ़ाएगा नहीं, जबकि इवन आपका वेट घटाएगा। तो आलू के साथ भी ऐसा है, तो आप आलू को नॉर्मल उसमें नमक डाल के, मिर्च डाल के उसे उस पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। मैं अपनी नवरात्रि की डाइट इसी तरह फॉलो करती हूँ, और आप लोग भी इसे फॉलो करिए और देखिए कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, फेस पे ग्लो भी आएगा आपके। और रात में भी आपको नाइट ड्रिंक पे क्यूमिन वाली चाय लेनी है अगर आप बोलेंगे, वैसे है नॉर्मल है, आपने पानी चढ़ाया और उसमें एक चम्मच जीरा, हाफ चम्मच जीरा डाल दिया, उसे मॉर्निंग में आपको उसी तरह गरम गरम सिप सिप करके पीना है, और रात में भी इसी तरह सिप सिप करके पीना है। हो सके होल डे जो 3 लीटर पानी है वो हल्का सा लुक वॉर्म ही पीजिए। तो इस यही डाइट में प्रिफर करती हूँ, और इसमें मैंने जो जो अभी आपको रेसिपीज बताई हैं मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ ये रेसिपीज शेयर करूंगी। आई होप गाइस बहुत ही छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को पसंद आएगा, एक आइडिया देने आई थी कि इस तरह से आप वेट मैनेज कर सकते हैं नवरात्र में, क्योंकि लोगों का ऐसा मिथ है कि लोग जो नवरात्रि या व्रत में ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, लेकिन मैं खाती भी बहुत ज्यादा हूँ और ऑयली भी नहीं खाती हूँ, अपने वेट को मेंटेन करे रखती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।